न्यूज में हूं कविता सिंह। नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बुजदिल है पाकिस्तान, कायर है पाकिस्तान, डरपोक है पाकिस्तान, बच्चा खोर है पाकिस्तान, आदमखोर है पाकिस्तान, जो भी कहना चाहे कह लीजिए अपनी आदत से, क्योंकि बाज नहीं आता पाकिस्तान। बॉर्डर पर पाकिस्तान को हिम्मत नहीं है कि वो हमारे जवानों के सामने आग भी दिखा सके। कायर पाकिस्तान अब छिप छिप कर बॉर्डर पर मासूमों को टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है। आज हम टीवी पर पहली बार दिखाएंगे आदमखोर पाकिस्तान का वो सच जो आतंक की आकाओं को बेनकाब कर देगा। सबसे पहले गौर से देख लीजिए ये रिपोर्ट। काफी डर लग रहा है। हमें बचने की उम्मीद नहीं थी तब। दो महीने की छुट्टियां हुई है, हम ऐसे पढ़ाई खराब हो रही है, आप भी हो रही है, इधर पढ़ा नहीं जाता। दहशतगर्दी का खेल खेलने वाले पाकिस्तान, इन तस्वीरों को देख लो। पूरे 10 घंटे तक दहशत में यूं ही दुब के रहे मासूम। ऐसे हम पढ़ाई कर रहे थे तो तब गोलाबारी शुरू हुई, तो फिर हमें अपने टीचरों ने बचाया, तो कुछ बच्चे जो हैं वो बेहोश भी हो गए थे। हाँ, पहले 2 महीने की छुट्टियां हुई, हम ऐसे पढ़ाई खराब हो रही है, अब भी हो रही है, इधर पढ़ा नहीं जाता। मंगलवार को जम्मू के नौशेरा में पाकिस्तान ने 120 mm और 81 mm के मोर्टार दागे, तो डरे बच्चों ने क्लासरूम में बेंच के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। फायरिंग हो रही थी, बहुत ही गोलाबारी चली, 4 घंटे उधर फंसे रहे, तो हमारे को आर्मी बच्चों, जब उसकी आवाज निकल रही थी बहुत ही डर लग रहा। जो स्कूल है उनमें एक ड्रिल जो है वो करवाई जा रही है। ड्रिल कराने का मकसद बड़ा साफ है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। ऐसे में अगर कभी बच्चे जो हैं वो फायरिंग की चपेट में आ जाए तो उन बच्चों को कैसे रखना है, कैसे उन्हें जो है बचाना है। आप देख सकते हैं इन सभी बच्चों को इसी तरह से सिखाया जा रहा है ताकि कभी भी ऐसी जो है सिचुएशन आए तो वो बच्चों से जो है बच्चों को जो है कैसे बचाया जा सके। कल 200 से ज्यादा बच्चे जो है इसी तरह से पाकिस्तान की शेलिंग में फंस गए थे, और यहां अगर आप देखेंगे इन बच्चों को बताया जा रहा है कि कैसे आपको इस ड्रिल के तहत छुपकर बैठना है ताकि किसी भी तरह से कोई उनको नुकसान ना हो। पाकिस्तान ने जिन स्कूलों पर गोलाबारी की वो बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन इन स्कूलों के आसपास ना तो सेना की कोई पोस्ट है और ना ही कोई बीएसएफ डिप्लॉयमेंट था। फिर भी आदमखोर पाकिस्तान ने 10 घंटे तक गोलियां दागी। किसी तरीके से बच्चों ने, टीचर्स ने बच्चों को पहले अपने सेफ रूम में बिठाया किसी ने, तो क्योंकि बहुत ज्यादा गोलाबारी है जो वो चल पड़ी, तो फिर स्कूल के प्रिंसिस में पूरे गोले आने लगे, स्कूल के ऊपर भी पड़े, तो उसके बाद 4-5 घंटे जो बच्चे हैं उधर स्कूल में ही डटे रहे। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय चांडियाल आधी रात नौशेरा के उसी इलाके में पहुंचे तो बच्चों के चेहरे पर शिकन साफ देखी। कभी ऐसे पहले देखा आपने, कभी ऐसे फंसे थे? नो सर, हमें ऐसा कभी भी नहीं देखा, हमें उम्मीद नहीं थी बचने की। और पहले जब हम सुबह गए थे और तब कुछ भी थोड़ी भी आवाज नहीं आ रही थी, और एक एक बार 1 बजे हमारे स्कूल से फायरिंग शुरू हुई है, और पहले कुर्सियों से शुरू हो रही थी, तब हमारे टीचर्स ने रिसेस बंद कर दी, वो कहते थे कि हमारे यहाँ पे ना शुरू हो जाए। तब हम अंदर बैठे हुए थे, सर हमें समझा रहे थे कि अगर यहाँ पे फायरिंग शुरू होगी तो आपने जमीन को पकड़ लेना है। पहला बम पड़ाई हमारे स्कूल में है, पहले पोस्ट में पढ़ते रहे, पहले जब फायरिंग स्टार्ट होती थी और पोस्ट में पढ़ते थे, अब जब स्टार्ट हुई है हमारे स्कूल में पहला बम पड़ा है। आप ही के स्कूल को निशाना बनाया? हाँ, हमारे स्कूल को उन्होंने निशाना बना के रखा है। हाँ, हमें बहुत डर लग रहा था, और छोटे बच्चे हैं जो बहुत रो रहे थे। लग रहा था उसको कि क्या होगा? सर, हमें लग रहा था कि हमें बचने की उम्मीद नहीं है, आज हम नहीं बचेंगे, और हम सभी बच्चे भगवान का नाम ले रहे थे। नौशेरा के शहर इलाके में रहने वाले इन बच्चों को जब सुरक्षित कैंपों में ले जाया गया तब भी उनके दिल से खौफ नहीं निकल पाया। जब स्कूल गए थे तो आराम से गए थे, तब था कुछ? फिर 1 बजे फैर शुरू हुआ। अच्छा, पहले उधर कल सी गोले पड़ रहे थे, तो फिर इधर आए, हम बाहर थे तो एक हमारे ग्राउंड में गोला पड़ा। आपके वहाँ से कितना दूर है पाकिस्तान की आर्मी या बॉर्डर, कितना दूर? 7-8 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ पर अंदर तक गोले आ रहे थे?
हाँ, हमारे स्कूल में 4-5 गोले पड़े हैं, हमें बहुत डर लगता था। यहाँ जब फायरिंग हुई तो अपनी जो अपनी सेना है उस सेना की तरफ से भी फायरिंग हो रही थी, अपने वाले भी कर रहे थे? हाँ, पाकिस्तान वाले भी कर रहे थे और हिंदुस्तान ने भी जवाब दिया। नौसेना के जिन स्कूलों में आदमखोर पाकिस्तान ने फायरिंग की उनमें करीब 217 बच्चे और 15 टीचर की जान मुश्किल में फंसी रही। हालांकि टीचर और बच्चे सब टेबल के नीचे छिप गए। उधर कलसिया में आवाज आ रही थी तो हमारे टीचरों ने हमें सावधान कर दिया, हमें अंदर, वो हमें अंदर ले गए, हमें उन्होंने कहा जब पास पड़ेंगे गोले आपने जमीन को पकड़ लेना है। तो फिर पास में आगे गोले तो बच्चे छोटे ये बच्चे रोने लगे और बहुत ही चीखने लगे, बोलने लगे मम्मा के पास जाना है। फिर पुलिस वाले गए और हमें वो लेके आई। जब फायरिंग शुरू हुई आपने क्या किया? फायरिंग शुरू हो गई, आधे अलग अलग कमरे में छुप गए और फिर पुलिस वाले आए, वो गाड़ी लेके गए और हम उनमें बैठ कर इधर आए। बच्चों ने अब तक ऐसी तस्वीरें फिल्मों में देखी थी, पहली बार आंखों के सामने बम फटते हुए देखा तो लगा कि जिंदा नहीं बचेंगे। जब घर वालों को पता चला कि स्कूल पर मोर्टार गिर रहे हैं तो सांसें हलक में अटक गईं। आप मुझे बताइए, जब ये फायरिंग हुई तो कितना दूर है वहाँ से बॉर्डर और आप जब गए हैं आपको कब पता चला? सर, जब फायरिंग हुआ तब तो हम स्कूल में प्रेजेंट नहीं थे, हमारे बच्चे ही थे, तो बॉर्डर वहाँ से तकरीबन एक किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो फायरिंग बहुत जोर जबरदस्त हुई आज उधर। आप लोग परेशान हो गए? हाँ, तो बच्चों के लिए परेशान तो हो गए, बहुत परेशान हो गए थे। तभी हमारे जो उधर पुलिस वाले, हमारे को SDM साहब ने अपने को रेस्क्यू के बच्चों को इधर लेकर आए, तो अब अपने बच्चों के साथ हैं। अब यहाँ बच्चों को कहाँ कैंप में रखा जा? हाँ, अपने कैंप है, अभी कैंप पे लेके जा रहे हैं बच्चों को। लगभग 4 स्कूल तो मुझे जबानी याद है जिनको वो बिल्कुल ही टारगेट किया गया। एक तो शहर हो गया, एक नम का स्कूल हो गया, एक पाटा का और एक भवानी हायर सेकेंडरी स्कूल, इनको तो टारगेट किया गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की यही मंशा होगी कि बच्चों को टारगेट करके एक दहशत का माहौल, एक खौफ का माहौल इस एरिया में बनाया जाए। जैसे ही स्कूल में बच्चों के फंसे होने की खबर पुलिस और सेना को मिली, उन्हें बचाने के लिए अभियान तेजी से शुरू कर दिया। सेना के 2 और पुलिस का 1 बुलेट प्रूफ बंकर लाया गया। इंडिया न्यूज की टीम बुधवार सुबह भी उसी इलाके में पहुंची और बच्चों से जाना कि मुश्किल वक्त में वो कैसे अपनी जान बचाते हैं। शेलिंग हुई है जहां से कल बच्चे फंसे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं डर है सब बच्चों में और उनको सिखाया जा रहा है अब क्या करना है। हाँ सर, सभी बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है, बहुत ज्यादा शेलिंग हुई थी, अचानक से 1:45 का टाइम था जब शेलिंग शुरू हुई, छुट्टी होने का टाइम था स्कूल में और अचानक से शेलिंग शुरू होगी तो सभी बच्चों में डर का माहौल बना हुआ है। सर, ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे शेलिंग आएगा जो बहुत, तकरीबन हर 5-7-10 दिन बाद शेलिंग होना शुरू हो गई है, तो इसलिए शेलिंग कभी भी हो सकती है। हमने इन बच्चों को सिखाया हुआ है कि अगर कभी भी इमरजेंसी शेलिंग होती है तो इन्होंने अपने आप को किस तरह सेव करना है। बॉर्डर से सटे भवानी स्कूल में 150 बच्चे और सैर स्कूल में 65 बच्चे करीब 10 घंटे तक गोलीबारी के बीच क्लासरूम में बंदी बने रहे। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर रही है कि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। हमारे जवानों से आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं तो मासूमों को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा है। दिल्ली से सुमित चौधरी के साथ अजय चांडियाल, नौसेरा, इंडिया न्यूज। बॉर्डर से सटे स्कूलों को खुले 50 घंटे भी नहीं बीते थे कि उन्हें फिर से बंद करना पड़ा। पाकिस्तान के इस फायरिंग का भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उसके कई बंकर हमारे जवानों ने तबाह कर दिए। हालांकि इस दौरान बच्चों को बचाने के चक्कर में एक जवान शहीद भी हो गए। इंडिया न्यूज की टीम ने LOC में स्कूल घरों का जायजा लिया। इस दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई जो आतंक को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आपको दिखाते हैं वो तस्वीर भी। घाटी से उठी ये आवाज उन स्कूली बच्चों की है जो मंगलवार हुई नापाक फायरिंग में मारे दहशत के छिपे रहे। इन बच्चों के मन में अब खौफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। आपको बताऊं, ये वही बच्चे हैं जो कल पूरा दिन पाकिस्तान की शेलिंग में फंसे हुए थे और आज ये यहाँ इकट्ठा होकर एक सुर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों को कल निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से। हम इस समय नौशेरा सेक्टर के LOC के इलाके में हैं। कल
इन्हीं बच्चों के सहित 200 से ज्यादा बच्चे थे जो यहाँ फंसे हुए थे। यही छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है आज भी हिंदुस्तान का दम भरते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान कायर है, बुज़दिल है, वो हमारी सेना से नहीं लड़ता, ये बात जब पूरी दुनिया जानती है तो भला इस सच को ये मासूम क्यों ना जाने। सुनिए क्या कह रहे हैं ये मासूम। आप आज यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? पाकिस्तान बहुत ही निर्दयी है जो बच्चों को निशाना बना रहा है। बच्चे तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, फिर क्यों निशाना बना रहे हैं? पाकिस्तान अपने आप को बड़ा महान बोलता है, आप क्या कहेंगे? सर पाकिस्तान तो हमारी सेना के सामने तो जीरो है। और आज बच्चों को निशाना बना सर, क्योंकि वो कायर है, वो हमारी सेना से डर गया इसीलिए। ये जो कल का मंजर था, कितना भयानक शेलिंग हुई, उसके बाद कैसे आप छुपे? सर हमने, हमारे स्कूल टीचर्स ने हमें पहले प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी मेजर के लिए बताया हुआ था कि अगर अचानक फायरिंग होती है तो हमें कैसे, अगर अचानक शेलिंग होती है तो हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उसी की वजह से हम अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर पाए और रात को हम सर अपने रिलेटिव्स के घर। आप क्या कहेंगे जिस तरह से आपके स्कूलों को बच्चों को निशाना बना रहा है, क्या कहेंगे? रात को हम काफी देर तक यहाँ पे खड़े, हमें बहुत परेशानी हुई। अब जो है क्या कहेंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए? हाँ सर। ये हिंदुस्तान के बच्चे हैं, डर कर बैठने वालों में नहीं। पाकिस्तान तुम भले ही स्कूल बंद करा दो, लेकिन किताब के पन्ने इसी तरह पलटते रहेंगे मासूम। ये वही स्कूल है जिसकी छत पर मंगलवार को गोले बरसते रहे। इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और साहसिक रिपोर्टिंग की। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त नौशहरा सेक्टर के एलओसी के भवानी गांव में पहुंची है और ये मेरे पीछे वही भवानी हाई सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जहां पर लगभग 150 बच्चे लगभग 6 घंटे के लिए यहां पर होस्टेज बने रहे। आपको बता दूं आज इस स्कूल को बंद कर दिया गया है, यहां ताला जड़ा गया है। ऐसे ही जितने भी स्कूल इस पूरे नौशहरा और राजौरी और पुंछ एलओसी पर पढ़ते हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से खासतौर पर स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखेंगे कल इस स्कूल के आसपास दर्जनों गोले जो हैं मोर्टार के 120 एमएम के जो है वो गिरे हैं, जिसके बाद इन यहां पे जो बच्चे उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे, इस प्लेग्राउंड में उस वक्त बच्चे खेल रहे थे कि यहां अचानक गोलाबारी शुरू हुई और पूरा इलाका जो बमों के धमाकों से दहल उठा। सर कितना बड़ा चैलेंज था और किस तरह से आपके पास इन्फॉर्मेशन उस वक्त पहुंची? ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए था क्योंकि इसमें आज बच्चे इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान ने पहली बार स्कूलों पे और रिहायशी इलाके को टारगेट किया है, अपनी रेंज बढ़ाई है और 120 और 81 एमएम की मोर्टार शेलिंग उनपे की है। इनफैक्ट जो शहर हाई स्कूल था उसकी पूरी स्कूल बिल्डिंग तबाह हो चुकी है और वहां पे कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 गोले गिरे हैं और आप अंदाजा उसी से लगा सकते हैं कि वो 65 बच्चे और 8 टीचरों की क्या हालत हुई होगी कि जब उनके बगल वाले कमरे के छत के ऊपर एक शेल गिरता है तो वो जिस टाइम रेस्क्यू किए गए हैं उस टाइम वो सब रो रहे थे, बड़े ही डरे हुए थे। मंगलवार से लेकर अब तक पाकिस्तान 4 बार से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। डरे सहमे लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। तकरीबन 840 फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, 4000 के करीब लोग कैंप्स में रह रहे हैं। 5 कैंप्स हमने बनाए हुए हैं और उन कैंपों में लोगों के रहने की व्यवस्था, उनका खाने का पीने का भोजन वगैरह सारी व्यवस्था जहां पे प्रशासन ने कर रखी है। पाकिस्तान अब मासूम और उन निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहा है जो बॉर्डर से सटे घरों में रहते हैं। इस साल 9 जुलाई तक 172 आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई जिनमें 38 जवान शहीद हो गए और 12 नागरिकों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी श्रद्धालुओं पर हमले की साजिश भी लगातार रच रहे हैं जिसने हमारे जवानों को भी जवाब देने पर मजबूर कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जून महीने तक 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 101, 102, 103, 104 ऐसे ही बढ़ता जाएगा यह आंकड़ा, क्योंकि हमने भी कसम खाई है एक एक को मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे और ये आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। अजय जांडियाल, नौशेरा, इंडिया न्यूज। याद करिए साल 2014 जब पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल पर हुआ था आतंकी हमला, 132 बच्चों सहित 145 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया था भारत ने, कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ, लेकिन इस कायराना हरकत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का
कोई भी ईमान नहीं है, वो हमारे बच्चों को भी बख्शना नहीं चाहते हैं। और इसी के साथ हमें रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बॉर्डर से सटे गांव में रहने वाले लोगों में किस कदर दहशत भर चुकी है। अब बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक हमने आपको बताया किस तरीके से कायर पाकिस्तान जो है वो भारत के बलवान बच्चों के मन में दहशत भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज घाटी का बच्चा बच्चा बोल रहा है पाकिस्तान कायर है, और उसकी ये कायराना हरकत हर हिंदुस्तान के दिल में गुस्सा पैदा कर रही है। बॉर्डर से सटे गांव में रहने वाले लोग किस तरह जिंदगी जी रहे हैं ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अजय जांडियाल नौशेरा इलाके के कुछ और गांव में पहुंचे। उन्होंने क्या पाया देखिए इस रिपोर्ट में। इन आंसुओं की बद्दुआ लगेगी तुम्हें पाकिस्तान, सुधर जाओ वरना तुम भी इसी तरह रहोगे। समझ सकते हैं ये मासूम लोग निहत्थे दिन भर कहीं ना कहीं अपने घरों में दुबके रहे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है और ये लोग मजबूर हैं इस फायरिंग में अपने घरों में दुबक के रहने के लिए। इनका कहना है कि जो फायरिंग हुई है उसमें इस तरह से हालात बने हुए हैं, ऐसे इन्हें लग रहा था मानो अब इनकी जान जो है बचाना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। ये परिवार बॉर्डर पर पाकिस्तान की गोलाबारी के बाद किसी तरह जान बचाकर यहाँ आए, लेकिन कार पाकिस्तान ने यहाँ भी बम गिराने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है और हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। हम नौशेरा सेक्टर एलओसी में एक घर में हैं। किस तरह से इन्होंने कल के अपने उस समय को गुजारा है जब पाकिस्तान ने भयंकर गोलाबारी की है, कल कहां पे थे, कितनी फायरिंग हुई कल? सर कल हम अपने बॉर्डर पे थे, वहां पे अचानक फायर हुआ पाकिस्तान वालों की तरफ से, तो फौज को भी नहीं मालूम था तब की अचानक यहाँ पे फायर हुआ, तो हम अंदर घुस के हमारे पशु बाहर ही रहे। अभी सुबह होते ही हमने वहाँ से निकले हैं तो माल मवेशी पशु आगे ले गए। मुश्किल था कल का जो टाइम आपने देखा, कितनी भयानक गोलीबारी हुई? बहुत मुश्किल था भाई जी, हम बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले हैं आज। आप क्या कर रहे थे जब फायरिंग हुई उसके बाद? यहाँ हम घर पे थे पर अंदर ही आए, बाहर नहीं आए, बहुत मुश्किल था। उस वक्त कैसे जान बचाई आपने? बहुत मुश्किल से। ये जिंदा शैल बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस कदर बौखलाया हुआ है। गनीमत थी ये फटा नहीं, वरना इस इलाके में कई लोगों का आशियाना उजड़ सकता था। आपको बताऊं कल ये 120 mm का मोर्टार शेल जो है यहाँ आकर गिरा और उसके बाद ये फटा नहीं। आप समझ सकते हैं ये इतना बड़ा जो शेल है अगर ये उस वक्त यहाँ फट जाता तो कितना नुकसान ये दे सकता था। 120 mm मोर्टार शेल ये देखिए, ये आपको बता दूं कि ये जो मीडियम आर्टिलरी होती है जो है वो शेल है जिसे पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, और यहां से इस शेल के ठीक अगर आगे ये घर देखेंगे, ये बिल्कुल घर के बगल में एक दीवार के पीछे की दीवार पे पड़ा और यहीं पर लोग जो है कल छुपे हुए थे। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की इस करतूत का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, जवाब दिया भरपूर दिया, फिर भी नापाक हरकतें नहीं रुक रही। जिस घर में हम यहाँ पहुँचे हैं आप देखेंगे ये यहाँ पर भी एक शेल जो है आकर यहाँ फटा था, 120 mm का शेल। ये ठीक सामने ऊपर अगर पहाड़ी देखें तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है उस तरफ से पाकिस्तान की सेना द्वारा जो है वहां से फायरिंग की गई और 120 mm का मोर्टार शेल जो है वो यहाँ आकर गिरा। और जब ये शेल यहाँ पर फटा है, आपको बता दूं यहाँ फटने के बाद की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो घर का जो ये दीवार है, ये खिड़कियां, ये दरवाजे जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। भयानक गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से कल हुई है। अजय जांडियाल, नौशेरा, इंडिया न्यूज। तो जिंदगी जरूरी है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए हर सेकंड की यह जंग कितनी गैर जरूरी है। हम तो बस ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारे सब्र का और इम्तिहान न ले, वरना अभी तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आने वाले वक्त में सफाया भी हो सकता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज।